सब कुछ हमें से कि आज हम बात करेंगे कि जीव को हम अपने वश में कैसे कर सकते हैं क्योंकि जीव के वश में मृत्यु और जन्म दोनों होते हैं इसीलिए हमें देख संभल के किसी को भी बोलना चाहिए बाइबल में लिखा है कि हम जब तक चुप रहते हैं जहाँ पर ज़्यादा बातें होती हैं वहाँ पर अपराध भी होता है इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादातर बाइबल पढ़ना चाहिए वचन सुनना चाहिए लोगों से कम बातचीत करना चाहिए हमें गपशप में नहीं बैठना है हमें लोगों से दूर रहना है हमें ये जो इधर उधर की बातें बोल बोलने वाले होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए कुत्ते स्वभाव के लोगों से भी दूर रहना चाहिए जो फूट चलते हैं इधर की बात उधर करते हैं जो हमें देख कर चलते रहते हैं उनसे भी दूर रहना चाहिए हाँ प्रभु ये कहते हैं कि अगर कोई तुम्हें श्राप दे तो तुम उनके लिए प्रार्थना किया करो अगर तुम्हें कोई सताता है तो उनके लिए प्रार्थना किया करो उनको श्राप पे मत दिया करो उनके लिए आशीष ही दिया करो ये बात सच है क्योंकि अगर हम किसी को आशीष देते हैं तो प्रभु हमें भी आशीष देता है अगर हम किसी को श्राप देते हैं तो प्रभु हमें भी श्रापित करता है इसीलिए हमें अपना मुंह जुबान बंद करके रहना चाहिए इसलिए हमें अपने जीव को संभाल कर किसी से भी प्रार्थना कर प्रार्थना भी जब हम करते हैं तो तभी भी हमें जीव संभाल बोलना चाहिए प्रभु से और दूसरों से भी जब बात बात करते हैं तभी भी हमें मुँह संभालना चाहिए